हाई एवरी वन वेलकम बैक टू बाइज़ सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव डॉन सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच यू स्टडीड अबाउट हार्ट एंड सम सर्कुलेटरी पार्कस एंड ब्लड वेसल्स सो लेट स्टार्ट दिस लेसन सो दिस टॉपिक इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस लेट आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरीशन जो ब्रीदिंग है और जो रेस्पिरीशन है वो कई लोग सेम वे के चलते हैं कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरीशन की डेफिनेशन एक होगी बट इनकी डेफिनेशन अलग होती है ये क्या प्रोसेस होते हैं जो ब्रीदिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज होता है ओ टू का जो एटमोसफेयर के अंदर प्रेजेंट है एंड सी ओ टू का जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन दोनों का एक्सचेंज ताकि जो ओ टू है एटमोसफेयर में प्रेजेंट है जो वो हमारी बॉडी के अंदर आ सके और जो हमारी बॉडी के अंदर सी ओ टू है वो एटमोसफेयर में रिलीज़ की जा सके उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग और उस एक्सचेंज के बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना टू रिलीज एनर्जी उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन तो ब्रीदिंग कहाँ तक हुआ सिर्फ एक्सचेंज तक और उसके बाद जो भी ब्रेक डाउन होता है फूड का उस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन सो फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दे आर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं लाइक स्पन्जेस फ्लैटफॉर्म्स इनके अंदर जो ऑक्सीजन एंड सी ओर टू का एक्सचेंज होता है वो थ्रू होता है सिंपल डिफ्यूजन अर्थफाउ्स के अंदर ये डिफ्यूज़न ये एक्सचेंज है वो होता है थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है लाइक ट्रैकअल ट्यूब्स और ये प्रेजेंट होते हैं थ्रू द बॉडी और ये क्या करती हैं जो भी एटमोस्फेरिक एयर है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं इनसाइड द बॉडी जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है लंग्स सो so, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन पैसेज क्या है जो एयर है वो एंटर करती है थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रियल वहाँ से वो जाती है टू तो नेसल पैसेज नेसल पैसेज से जाती है वो नेजल चैम्बर के पास वहाँ से वो जाती है फेननिक्स के पास फेनेिक्स है वो कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर वहाँ से एयर जाती है टू तो लेरनिक्स सीजन और लेरिनिक्स सीजन लेरिन को हम कहते हैं साउंड बॉक्स और यहाँ पर एक कवर प्रेजेंट होता है लीफ लाइक -like कवर दैट इज एपिग्लोटिस जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इनटू द लेरिनक्स और लेरिनिक्स सीजन से एयर है वो जाते हैं टू तो ट्रैकिया और यहाँ पर फिफ्थ थोड़े से तक जो ट्रैकिया है वो एक कॉमन पैसेज रहता है उसके बाद वो पाए हो जाते हैं इन द ब्रोंकाई जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो बाय फर्केट होती है इंटू सेकेंडरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई बाय फर्केट होते हैं टू टर्शरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई बाय फर्केट होती है इंटू द ब्रोंक्यूल्स और जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके एंड पर प्रेजेंट होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ एल्वलाइ और यहाँ पर एक्सचेंज होता है ओ टू एंड सी ओ टू का जो ट्रैकिया है प्राइमरी ब्रोंकाई है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई है एंड ब्रोंक्यूल्स हैं उनके पास कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनकम्प्लीट होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है ये इनकी स्ट्रक्चर में हेल्प करती है ताकि ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कोलेप्स ना हो ओके okay? जो लंग्स हैं वो कवर्ड होते हैं और बाय डबल लेयर डैट इज़ प्लूरा और इसके अंदर प्लूरल फ्लूड प्रेजेंट होता है जो किसी भी शोक से इसको प्रिवेंट करके रखता है जो भी ये पार्ट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रेल्स एंड टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वो सभी कवर होते हैं फ्रॉम द सीरिया फ्रॉम इनसाइड ताकि कोई भी इनवेडिंग uh, मटेरियल है कोई भी फॉरन पार्टिकल है उसको रिमूव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ सीलिया स्टेप्स क्या है, firstly, है, क्या है रेस्पिरेशन के अंदर फर्स्टली ब्रीदिंग होती है ब्रीदिंग क्या है एक्सचेंज ऑफ सी ओ टू एंड ओ टू वहाँ पर ब्रीदिंग होती है फिर उसके बाद डिफ्यूज़न होता है गैसेस का अक्रॉस एल्विलर मैमब्रीन जो ये एल्विलाई है बैकलेग स्ट्रक्चर -like और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं तो यहाँ से सी ओ टू एंड ओ टू का एक्सचेंज होता है ओ टू यहाँ पर होती है वहाँ वो ब्लड को ट्रांसफ़र की जाती है और ब्लड के अंदर सी ओ टू प्रेजेंट होती है जो बॉडी से लाई गई है और ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड और ये ब्लड है यहाँ पर एक्सचेंज करके आगे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है फिर वहाँ पर डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन एंड सी ओ टू का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़ जो ये आगे कोई भी ब्लड वैसल है मान लो और यहाँ पे कोई भी टिश्यू प्रेजेंट है तो टिश्यू के पास अगर सी है तो वो ब्लड को सी दे देती है और ब्लड वहाँ से सी लेता है और ओ को टिश्यूज़ को रिली वहाँ पर रिलीज़ कर देता है ओ का उसके बाद क्या होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ओ टू बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड फॉर रिलीज ऑफ सी ओ टू यहाँ पर सी ओ टू का रिलीज़ होगा टू द ब्लड और यहाँ पर एनर्जी की फॉर्मेशन होगी और कैटाबोलिक रिएक्शंस होंगे ठीक है तो ये है स्टेप्स ऑफ रिएस्परेशन जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर एपिगलोटिस है इससे पहले फेरिनिक्स होता है ये हमारा लेरिनिक्स है ये हमारी ट्रैकिया है और ये हमारी कार्टिलेजियस रिंग्स हैं ट्रैकिया से आगे आते हैं ब्रोंकाई ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शी ब्रोंकाई उसके बाद आते हैं ब्रोंक्योल और ब्रोंक्योल के बाद आती है एल्वोलाई और एल्वोलाई होते हैं बैग लेग स्ट्रक्चर और यहाँ पर ऑक्सीजन और सी ओ टू का एक्सचेंज होता है और यहाँ पर ये डिप्रेशन क्यों प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारा हर्ट प्रेजेंट होता है जो हमारे प्रीवियस लेसन के अंदर हमने देखा कि लेफ़्ट लंग के नीचे हर्ट प्रेजेंट होता है हमारा और ये जो लंग है वो कवर होता है बाय डबल लेयर्ड प्लूरल लेयर फ्लूरल लेयर और जो फिल्ड होते हैं विद द प्लूरल फ्लूड जो प्रिवेंट करती है लंग्स को फ्रॉम एनी शॉक ह्यूम्स के अंदर टू टाइप्स जो ब्रीदिंग होते हैं डेट इज़ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन क्या होता है एटमोसफेरिक एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेना एंड एक्सपायरेशन क्या होता है जो हमारी एलवेला एयर है एलोलाई के अंदर एयर प्रेजेंट है डेट इज़ फुल ऑफ सियो टू उसको हमारी बॉडी से रिलीज़ करना जो इंस्पायरेशन है वो क्यों होता है क्योंकि जो लंग्स का प्रेशर है वो एटमोसफेरिक प्रेशर से कम होता है तो ईजिली एटमोसफेयरिक प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है जो एक्सपायरेशन है वो कब होता है जब हमारे लंग्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लंग्स का प्रेशर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेट होती है मसल्स के जो किसके पास होता है डायफ्राम के पास और वो कौन सी मसल्स होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स तो ये हेल्प करते हैं इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स ये ग्रेडियंट्स कौन से हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के प्रेशर से ज़्यादा है या फिर कम है वो सभी ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है फर्स्ट ले कॉन्ट्रेक्शन होता है डायफ्राम का और उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का और जो रिप्स हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं ये कैसे प्रोसेस होता है कि मान लो ये रिप्स हैं हमारी बॉडी की और ये हमारे लंग्स हैं ओके लंग्स ये हमारी रिप्स हैं बॉडी की अगर ये रिप्स लिफ्ट होती हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो थोड़े से चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जहां पर लंग्स प्रेजेंट है और ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो सिंपल सी बात है कि जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा पलमनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ पर जो लंग्स का प्रेशर है वो एटमोसफेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा और जो एयर है एटमोसफेयर के अंदर प्रजेंट है वो फोर्स की जाएगी कि वो लंग्स के अंदर आए क्योंकि एयर है वो कहाँ से मूव करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर वहाँ पर होगा इंस्पायरेशन इसके बाद क्या होता है रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का और डायफ्राम के रिलैक्सेशन के साथ ही जो इंटरकोस्टम मसल्स थी उनका भी रिलैक्सेशन हो जाता है जो स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है जो रिप्स को ज्वाइन करके रखता है ओके दिस आर द रिप्स एंड दिस इज स्टर्नम तो स्टर्नम है वो ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है और जो थोड़े से चैम्बर का वॉल्यूम है वो भी रिड्यूज़ हो जाता है और जो पलमनरी चैम्बर है उसका भी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो वहाँ पर प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है सिंपल सी बात है कि अगर हम पाइप को प्रेस करते हैं उसका वॉल्यूम तो रिड्यूस हो गया है पर जो वाटर का प्रेशर है फ़्लो का प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़ होने के वजह से यहाँ पर एक्सपायरेशन होता है जो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट है वो रिलीज़ कर दी जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर तो यहाँ तक था हमारा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग